नमस्ते। जैसा कि आपने देखा, बच्चे कहानी सुनते वक्त ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि जब उनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो वो उत्तर नहीं दे पाते। तो आइए इस समस्या के समाधान पर हम चर्चा करें। पहला, कहानी शुरू करने के पहले बच्चों को कवर पेज दिखाएं और चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछें। तो बच्चों देखो, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे, है ना? इसको सब ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? बंदर और शेर। अरे वाह, आप बताइए क्या क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसको देखकर बताओ कि इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? बंदर की पतंग। कैसे पता चला? अच्छा, क्योंकि बंदर पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना? तो चलो हम ये कहानी पढ़ें। दूसरा, कहानी पढ़ते वक्त हाव हाव से पढ़ें। तीसरा, कहानी पढ़ते पढ़ते जहां कहानी में कोई बदलाव आ रहा है वहां रुकें और उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से जरूर करें। बंदर की पतंग। बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक पतंग बनाई। पतंग में कई रंग थे। बंदर और खरगोश पतंग उड़ाने लगे। पतंग धीरे धीरे उड़ने लगी। अचानक पतंग की डोरी टूट गई। अब बताओ बंदर ने क्या किया होगा? मैं उसके पीछे भाग रहा था। पतंग के पीछे? हाँ, और क्या कर सकता था? और मैं उछल के जा सकता था। उछल के भी जा सकता था, बिल्कुल सही। अब हाँ, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, ठीक है? अब यह हवा के साथ बहने लगी। क्या बहने लगी हवा के साथ? पतंग। और अब चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण बात कि कहानी खत्म होने पर बच्चों से प्रश्न जरूर पूछें। अब ये बताओ कि अगर बंदर की जगह आप होते तो क्या करते? आप बताओ। मैं मम्मी वो उछल उछल के तो पकड़ते। उछल कर पकड़ने की कोशिश करते। आप क्या करते? आप भी? अच्छा, चल हाँ। पेड़ों पे चढ़ के उछल के पकड़ लेते। पकड़ लेते, वेरी गुड। अच्छा, अगर आप कौवा होते तो क्या करते? चोंच में पकड़ के चोंच में पकड़ के आप भी पतंग ले आते। तो इस तरह से कौवे ने चोंच से पकड़कर बंदर की क्या की? मदद की। आदर्श पठन के समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि कहानी के बाद हर बच्चे को जवाब देने का पूरा मौका मिले।